हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और इतने टाइम दोपहर के 12 बजे हैं और हमारे मोबाइल पे जो मैसेज आया था, कल ही आया था कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। तो मुझे ध्यान था नहीं और लाइट गई। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, खाना बनाने का टाइम है और किचन में मेरे अंधेरा रहता है, किचन में कोई खिड़की नहीं है मेरे। और इतने टाइम जो है मैं एक एमरजेंसी लाइट है, मतलब ऐसे ही, मतलब टेम्परवरी, सिर्फ वायर जोड़ना रहता है बस, उस पे रोशनी हो जाती है। तो अम्मा क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? अरे एक मिनट। हाँ, और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको अटैच करके रखा हुआ है ये, और इसकी जो लाइट है वो यहाँ पे है, ये है, बस इतनी लाइटें जल रही हैं। और तो सब लाइटें इसमें ख़राब भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ मेरी पतीली चढ़ चुकी है और इसमें मैं बनाने जा रही हूँ ये आलू और मटर, इसकी जो मैं तहरी बनाऊंगी। तो तहरी के लिए देखिए मसाला भी मैंने पीस ली हूँ, सिल पे पीसी हूँ। मेरा मिक्सर का जार जो है एकदम ख़राब है, ये मसाला मैं सिल पे पीसी हूँ। इसमें हल्दी डालूंगी और ये मिर्ची, मिर्ची तीखी है तो थोड़ी है, बाद में अगर कम होगा तो हरी मिर्ची डाल देंगे, और प्याज और टमाटर और थोड़े से जो है गरम मसाले भी मैं इसमें लूँगी। तो इसमें मैंने ना गरम मसाला बहुत सारा निकाली हूँ, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पीस ली हूँ मैंने, और थोड़ा ही डालूंगी मैं, पूरा नहीं डालूंगी इसमें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। मम्मी डाल चुके हैं, मम्मी डाल रहे हैं, मम्मी डाल नहीं चुके। अब मैं बहुत दूर से ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है प्याज। हाँ। मैं बहुत सारी मम्मी की वीडियो लेती हूँ ना, हमेशा मेरे मतलब हाथ पर आ जाता है। बेचारी मरियम का क्या हाल है ना, मरियम कभी भी मेरा ना वीडियो शूट करने के लिए आती है ना, तो कभी मैं ऐसे बघारती हूँ ना, जैसे छो से बोलता है, ऐसे पट 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 फूटने लगता है ना, तो इसके हाथ पे रहता है ना, ऐसे मोबाइल लेके भागती है। कभी कभी आप देखिए वीडियो ऐसे हिल जाती है। हाँ, ये इसी की वजह से होता है। हाथ में ना छीटे पड़ते हैं ना तेल के, तो एकदम पीछे होती है ना, हिला पूरा हाथ। अम्मी को लेकिन पड़ता है, अम्मी को लेकिन आदत है, अम्मी बोलते हैं। हम लोग को तो वही, हम लोग रोज डेली के करने वाले हैं, बहुत जमाने से कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत छीटे हम लोग को बर्दाश्त हो जाते हैं। ये लोग बेचारे लोग हैं, नई नई कौली कौली चमड़ी है, हम लोग को बहुत ज्यादा चटका लगता है। इसके लिए ना जब ये वीडियो बनाती है तैयारी तैयार हो चुकी है, मम्मी टिफिन पैक कर चुकी है, तैयार हो चुकी है, टिफिन भी सब पैक कर दी हूँ मैंने। अब जा रही हूँ घर के लोगों को खिलाने। हाँ, स्कूल में है तो उसको भी देना है, क्या पता। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, दोपहर में तो मैंने बना ली थी तैयारी, और इतने टाइम जो है मेहमान आने वाले हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। तो यहाँ पे प्याज लाल हो रहा है, इसको मैं निकाल लूँगी, फिर तेल कम करूँगी, उसके बाद फिर इसमें चिकन डालूँगी। और यहाँ सब मैंने पीस के रख लिया है, यहाँ पे तिल है, खोपरा है, और यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये क्रीम है, और ये थोड़ा सा गर्म मसाला है। और यहाँ पे कबाब के लिए मैंने कीमा जो है मैरिनेट एकदम करके रख लिया है, और ये है चिकन फ्राई, इसको जो है मैरिनेट करके रख लिया है मैंने, तो इसका चिकन फ्राई बनेगा। तो चलिए फिर, अभी तो मैं मेहमान आएंगे तब तो मैं वीडियो नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं उन लोग को अच्छा लगे ना लगे, तो इसकी वजह से मैं अभी ये सब बता दे रही हूँ। और फिर कैसा मेरा दावत का सब खाना पूरा जब बन जाएगा ना, तो फिर मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी। तो बहुत लोग जैसे कोरमे में अलग अलग चीज़ें डालते हैं, काजू डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो मैं भी इसमें ये सारी चीज़ें डालूंगी, प्लस दही है वो भी डालूंगी मैं। दही मैंने आपको दिखाया नहीं, फ्रिज में रखा हुआ है, तो दही डालूंगी मैं। और फिर केवड़ा भी जाएगा, केवड़ा मैंने इससे पहले ही डाल दिया है। फिर थोड़ा सा केसर भी डालेंगे, मतलब आपका जो है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी कोरमा बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं तो अपना तरीका बता रही हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग जैसे बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं चिकन कोरमा। यहाँ देखिए मेरा जो है दावत वाला खाना तैयार हो गया है, और ये जो है बनाए हैं मैंने कबाब, और ये बना है कोरमा। इसको मैंने अभी स्मोक किया है ना, तो देखिए अभी थोड़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो इसका थोड़ा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। और ये है फ्राई चिकन, और यहाँ पे मैंने बनाया है मटर पुलाव, सिंपल है मटर पुलाव, सिंपल जो होता है ना वो है। प्लस यहाँ मैंने बनाई है मटर की दाल, जो हरे मटर आते हैं ना उसकी दाल है ये, बहुत टेस्टी बनती है। और रोटी मैंने नहीं बनाई है,
रोटी जो है मैंने बाहर से मंगवा ली है, ये देखिए तंदूरी रोटी, क्योंकि कोरमे के साथ ना तंदूरी रोटी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स खाना तो तैयार हो चुका है और आपने देखा, और बनाने टाइम पे कोई वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, इतना टाइम ही नहीं रहता है, मतलब ये डालो वो डालो सब उसी में टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि जी दावत की जो प्रिपरेशन मैंने की है कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।